हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 के संपूर्ण क्वेश्चनों का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10th तक मैथ्स के ऑल चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दिए वहां पर प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्तर वाले और पहले का दूसरा है दो स्तर वाले समीकरण के रूप में वाई बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। ये एक समीकरण दे रखा है y बराबर 3। अब y बराबर 3 का इसमें अपन को एक पहले तो एक स्तर वाले समीकरण के रूप में फिर दो स्तर वालों के समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, एक स्तर का समीकरण हमेशा ज्यामितीय निरूपण एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है। किस पर होता है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं बड़ी होती है जिसमें ए बीच में 0 होता है और इधर साइड में बढ़ोगे तो धनात्मक दिशा में, तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्या निरूपित होती है। और 0 से इस साइड बढ़ोगे तो -1, -2, -3 और -4 इस प्रकार से निरूपित होता है। तो अपन को पहले के अंदर दे रखा कि y बराबर 3, यहाँ पर अपन कुछ और ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक सर तो ऑलरेडी आ चुका y, तो दूसरे सर को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए y बराबर कितना दे रखा 3। संख्या रेखा यहाँ पर मान रखिए 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पर y बराबर 3 मान कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है y बराबर, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा y बराबर 3, ये ज्यामिति इसका निरूपण हो गया। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर y बराबर न देकर x बराबर 3 देता तो भी इसका यही आंसर होता, क्योंकि हमेशा एक सर का ज्यामिति निरूपण एक संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर x बराबर 3 दे रखा तो इस पूरी संख्या रेखा का x का मान हो जाता, तो फिर ये भी x बराबर 3 आ जाता, और यहाँ पर y दे रखा इसलिए y बराबर 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है इसका दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों में ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो दो स्तर वाले एक समीकरण तो अपन को y बराबर 3 दे रखा है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x नहीं दे रखा लेकिन x ऐड कर रहा हूँ, 0 × x + y = 3। मतलब 0 × x, x का मान कुछ भी नहीं है तो 0 तो ले सकता हूँ, 0 × x करोगे तो वापस 0 हो जाएगा और y बराबर वापस 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारणी में कुछ मान रखता हूँ, ये x है ये y है। अब यदि मैं x का मान 0 रखूं तो 0 × 0 करोगे, 0 × 0 + y = 3, मतलब y का मान मुझे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं x का मान 1 रखता हूं तो मतलब 0 × 1 + y = 3, और किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाता है उसका मान 0 हो जाता है, तो y बराबर 3 ही रखना है। मतलब x का मान आप कितना ही रखें लेकिन अपन को y का मान कितना मिलना है, 3 ही मिलना है। तो यदि मैं x का मान 0 रखा तभी 3, x का मान 1 रखा तभी y का मान 3 मिल रहा है, अगर x का मान 2 रखूं तब भी y का मान 3 मिलेगा। अब एक बार एक करते हैं, x का मान -1 रखे तो, यदि x का मान -1 रखते हो तो ये होगा 0 × -1 + y = 3, किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करोगे उसका मान 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 3। कहने करते हैं यदि -1 रखा तो भी y का मान कितना मिला, 3 ही मिला। अब इसका ज्यामिति निरूपण करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है और ये y डैश अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 और y अक्ष में ऊपर की तरफ जाओगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, और इधर जाओगे x अक्ष में -1, -2, -3 और -4, -1, -2। ठीक है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले x का मान 0, मतलब x बिंदु पर 0 का आ गया, और y का मान 3 तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 1, 2, 3 ये आ गया y का मान 3। फिर ये कह रहा है x का मान 1 और y का मान 3, x ये रहा 1 y का मान 3, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये कह रहा है x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 यहाँ रहा, ऊपर की तरफ जाएंगे y का मान 3 यहाँ मिल जाएगा। फिर कह रहा है x का मान -1, -1 की साइड में जाएंगे y का मान 3, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे। इन बिंदुओं को मिलाने पर अपन को जो ये रेखा प्राप्त हो रही है, इस रेखा का समीकरण है y बराबर 3। ठीक है, और इन बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखने जरूरी है, पहले का है 0 और 3 और इस बिंदु के निर्देशांक है 1 और 3 और इस बिंदु के निर्देशांक है 2 और
तीन और इस बिंदु के निर्देशांक है माइनस एक और तीन। ठीक है, तो इसमें जो ये संख्या रेखा प्राप्त हो रही है समीकरण की, तो ये रेखा है ये x अक्ष के समांतर प्राप्त हो रही है, किस अक्ष के, x अक्ष के समांतर प्राप्त हो रही है। तो ये इस क्वेश्चन का है वो आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी पहले की तरह है कि एक सर वाले और दो सर वाले रेखीय समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो यहाँ पर दे रखा है 2x + 9 = 0। तो सबसे पहले एक सर वाले रेखीय समीकरण का आप ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हमेशा वो एक संख्या रेखा पर आएगा, किस पर आएगा, संख्या रेखा पर। यह संख्या रेखा है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, इधर की तरफ बढ़ोगे माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, और ये हो जाएगा माइनस का पाँच, और ये हो जाएगा माइनस का छः, इस प्रकार से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, यहाँ पर प्लस का नो, इधर आके माइनस का नो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का नो, दो गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा x बराबर माइनस का नौ बटे दो। अब x का मान माइनस का नौ बटे दो प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए नौ बटे दो का मतलब है दो का भाग दीजिए नौ में, चार दुनिया आठ, नौ में से आठ में से नौ गया पीछे बचा एक, और ये दसवें लगा हुए जीरो, और पांच दुनिया हो गए दस, दस में से दस गया पीछे बचा जीरो, मतलब साढ़े चार मान आ रहा है। कितना आ रहा है, साढ़े चार। साढ़े चार का मतलब ये है किसका मान, चार और पांच के बीच में, वो भी किसमें है, माइनस में संख्या है, तो माइनस का चार दशमलव पांच आ जाएगा बराबर, ये देख सकता हूँ माइनस का चार दशमलव पांच। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर आप जाएंगे, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, और ये माइनस का पांच, माइनस के चार और पांच के बीच में है साढ़े चार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर माइनस का नौ बटे दो। ठीक है, x बराबर माइनस का नौ बटे दो। तो ये तो एक सर वाले रेखीय समीकरण में संख्या रेखा पर प्रतिसूत्र हुआ है। अब ये कह रहा है दो सर वाले रेखीय समीकरण में कैसे करेंगे, तो दो सर वाले रेखीय समीकरण में बस ये करना है, आपने पहले क्वेश्चन के अंदर जान लिया था कि ये x का मान है, ये y का मान है, अपन को x का मान दे रखा है कितना, माइनस का नौ बटे दो। यहाँ पर समीकरण ये है कि 2x प्लस 9 बराबर 0, यहाँ पर y नहीं दे रखा, तो मैं y ऐड कर सकता हूँ, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें मैं y का मान कुछ भी रखूँ, लेकिन ये y 0 के साथ गुणा हो रहा तो उसका मान 0 ही हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है, अगर मैंने y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान वही प्राप्त होना है, माइनस का 9 बटे 2, क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं, y ऑलरेडी 0 है। अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो भी मुझे x का मान माइनस का 9 बटे 2 प्राप्त होगा, अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ तो भी x का मान मुझे माइनस के 9 बटे 2 ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको घातीय तल में निरूपण कैसे करता है, तो यहां से देखिए, यहां पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इसको निरूपण कैसे करना है, x का मान माइनस के 9 बटे 2 का मतलब कितना है, साढ़े चार, तो x का मान माइनस का साढ़े चार है, ये रख 5 और 4 के बीच में साढ़े चार। ठीक है, y का मान 0, तो मतलब ये बिंदु y का मान तो 0 है, यहाँ पर ही आना है। फिर देखिए x का मान कितना, y का मान है, x का मान माइनस से, x का मान तो साढ़े चार ही है, y का मान कितना, एक है, तो y का मान ये एक रहा, जब आप यहाँ पर जाओगे तो इसके जस्ट ऊपर बिंदु आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x का मान तो माइनस के मतलब साढ़े चार ही है, y का मान 2, तो y का मान 2, ये इस प्रकार से जब तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये एक ऐसी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है ये समीकरण, ये रेखा है, ये किसकी रेखा है, ये है 2x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण की। ठीक है, इसके निर्देशांक लिखिए, पहले के निर्देशांक माइनस के 9 बटे 2 और 0 है, दूसरे के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस के 9 बटे 2 और 1, और तीसरे बिंदु के निर्देशांक है माइनस के 9 बटे 2 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला अपन को, यहाँ पर अपन हल करने पर ये जो प्राप्त हो रहा है समीकरण की रेखा, ये y अक्ष के समांतर प्राप्त हो रही है, किसके समांतर, पहले वाली x अक्ष के समांतर थी, अब की बार जो प्राप्त होने वाली रेखा है ये y अक्ष के समांतर प्राप्त हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और कमेंट सेशन के अंदर कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।